अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेवन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू अंडरस्टैंड आवर लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज. दिस इज एक्सरसाइज नंबर सी, पेज नंबर 11. रीड अबाउट ईच सिचुएशन. सबसे पहले आप क्या है, आपने अपनी सिचुएशन को पढ़ना है. नेक्स्ट, सर्कल ए और बी टू शो विच सेंटेंस यू वुड से इन दिस सिचुएशन. आपने बताना है कि जो आपकी सिचुएशन है उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. यू आर लुकिंग एट योर कैट इन द गार्डन. आप गार्डन में अपनी कैट को देखने गए. आई कैन सी अ कैट इन द गार्डन. दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन. आई कैन सी अ कैट इन द गार्डन. आई कैन सी द कैट इन द गार्डन. ठीक है, अब एक सेंटेंस में अ यूज किया, एक सेंटेंस में द यूज किया. आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो हमने कहा था हम अ जब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं होता, और द हम कब यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे होते हैं. द मॉडिफाइड कर है क्योंकि आप अपनी कैट को देख रहे हैं, मींस आप स्पेसिफाइड एक मखसूस कैट को देख रहे हैं. अ कैट मतलब कोई भी एक कैट हो सकती है, लेकिन आपकी सिचुएशन क्या है, योर कैट. आपको अपनी कैट को देखना है, मींस हमारे पास एक स्पेसिफाइड कैट है, तो इसलिए हमने द को करेक्ट ऑप्शन दिया, सर्कल कर दिया. ठीक है, यू हैव मेड एन अपॉइंटमेंट विद योर डेंटिस्ट. यू हैव सीन दिस डेंटिस्ट बिफोर. आपने अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया. ठीक है, आप कह रहे हैं यू हैव सीन, आप इस डेंटिस्ट को पहले देख चुके हैं. आई एम गोइंग टू अ डेंटिस्ट दिस आफ्टरनून. आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट दिस आफ्टरनून. अब आपने पहले इसको कब देखा था? अब यहां पे क्या हमारे पास करेक्शन है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर भी हमारे पास बी है. क्यों? क्योंकि हम इसी डेंटिस्ट की बात कर रहे हैं जिसको आप, जिसके पास आपने अपॉइंटमेंट लिया. स्पेसिफाइड डेंटिस्ट है जो आपका अपना डेंटिस्ट है, तो इसलिए आप इसके साथ जो द यहां पे यूज हो रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है. इसी तरह से थ्री में देखें, देयर इज अ कार आउटसाइड योर हाउस. यू डू नॉट नो हूज कार इट इज. आई कैन सी अ कार आउटसाइड. आई कैन सी द कार आउटसाइड. ठीक है, अब क्या है, कार्स बहुत सारी होती है, लेकिन अभी आप किसकी कार की बात करें, स्पेसिफिक कार की जो आपके घर के बाहर खड़ी है, तो हम द कार, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, इसी तरह फोर पे चले जाइए. यू टुक योर डॉग फॉर अ वॉक. यू थ्रो अ स्टिक फॉर योर डॉग टू फेच. अ थ्रो अ स्टिक फॉर अ डॉग. अ थ्रो अ स्टिक फॉर द डॉग. अच्छा, यहां पे भी आपका बी ऑप्शन ठीक है क्योंकि आप एक स्पेसिफाइड डॉग की बात कर रहे हैं. योर फ्रेंड हैज lots of pencils, you don't have any and you need to write something. आपको आपके पास, दोस्त के पास बहुत सारी pencils हैं और आपको लिखने के लिए कोई एक pencil चाहिए. Can I borrow a pencil please? Can I borrow the pencil please? अब the, आपको कोई सी भी pencil दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई specified pencil आपको नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपका option A, a pencil, ये correct option है. Understand? Okay, now complete this work in your book and upload it in your class. Thank you.